बहुत तेज, मतलब जल्दी उठ गए थे। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, आवाज थोड़ी सी खराब लग रही है। नहीं, मौसम चेंज की वजह से लग रहा है ना, जुकाम होगा, गले वले खराब हो रहे हैं। और आपके यहाँ कैसा मौसम होगा, हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे अभी यहाँ पे ना, जो ऐसे नॉर्मली बैठे रहता तो सही है, जो कुछ काम करो जो किचन में है तो लगता है कि भाई गर्मी है, थोड़ा सा हल्का हल्का है, लेकिन तभी पहले से तो बहुत बेटर है, अच्छा लग रहा है। इस साल तो गर्मी से ना दिमाग खराब हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही थी, बाप रे बहुत भयंकर गर्मी इस साल पड़ी थी। तो फिर सब चलते हैं आप लोगों के साथ, तभी किचन में मिलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या बनाती हूँ, क्योंकि आज बनाएंगे कुछ अच्छा सा, स्पेशल सा। आज श्राद्ध का लास्ट दिन है, तो चलते हैं किचन में बनाते हैं कुछ अच्छा सा। श्राद्ध के लास्ट दिन, कल है लास्ट, कल के दिन रिसर्चर है, मतलब आज का तो लास्ट ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। जैसा कि मैंने कहा, आवाज़ ख़राब हो रही है, जुकाम थोड़ा सा हो रहा है, और आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में। तो अब यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर लूँगी। तो पहले नाश्ता में बनाने वाली हूँ पोहा से इडली, तो पोहा वगैरह भिगा देती हूँ। उसके बाद पोहा थोड़ा सा मोटा है ना, तो आप चाहो तो कोई भी पोहा ले सकते हो इडली के लिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो छोटा स्टैंड भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब ठीक से क्लियर नहीं दिखता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से आप लोगों को जितनी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, सब इस तरह से मैं बनाती हूँ, और बहुत ही आसानी से इससे हो जाता है। छोटा सा रहता है, साइड में लगा लेती हूँ और काम फटाफट हो जाता है। बड़ा वाला स्टैंड है ना, तो उसे उतना क्लियर नहीं दिखता है, ऊंचाई पे होता है ना, तो उतना बढ़िया नहीं दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ले रहे हैं पोहा एक कप, बताती हूँ आप लोगों को इसका नाप। 1/4 कप ले रहे हैं सूजी, मोटी वाली सूजी है ये, कोई ज़रूरी नहीं है बारीक वाली हो, कोई भी सूजी आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो। दही डाल लेते हैं छोटे कप से, 1/4 कप है, जैसे चम्मच से कहूँ तो ये 3 चम्मच दही है, खट्टी दही है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मतलब डाल रही हूँ, 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। पानी 1 कप लिया, देखते हैं कितना पानी इसमें ऐड होगा। तो अब इस तरह से मैं इसका घोल बना के रख दूँगी, बैटर बना के रख देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा थोड़ी देर, तो ये सही रहेगा, इसलिए मैं इसको पहले से ही कर देती हूँ। ये बनाना बिल्कुल इडली बनाना आसान है, सुबह और सुबह के नाश्ता में तो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और देखिए पोहा भी हमने ले लिया है, तो इसे भी अच्छे से धुल के भिगा दिए थे, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये फूल गया है। और लेंगे एक मिक्सर जार, और इसमें क्या करेंगे, ये पोहा ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा ही पानी है इसमें, बाकी हम 1 चम्मच पानी और डाले थे जब पीस रहे थे तब, ठीक है। और ये देखिए बढ़िया से पिस पिस के तैयार हो चुका। अब चलते हैं जहाँ पे हम इडली रखे हैं सूजी और दही का घोल, इसी के साथ इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं जो हमने पोहा पीस कर रखा है, जैसा मैंने कहा ना ये सब, और इसमें आप चाहो तो जो भी आपको सब्जियां पसंद है ना वो सब्जी भी डाल दे। मेरे बच्चा को बिल्कुल ही सब्जी डाल के नहीं पसंद है, वरना मैं इसमें ढेर सारी सब्जियां डालने वाली थी, लेकिन उसको पसंद नहीं है इसलिए मैं सब्जी नहीं ऐड कर रही हूँ। आप जो चाहो सब्जियाँ इसमें ऐड कर देते हो। तो इडली का बैटर तैयार हो चुका है, अब बर्तन भी रेडी कर लेते हैं जिसमें हमें बनाना है जैसे इडली स्टैंड। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे, और बाकी इसमें हमने कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, आपने देखा है कोई ऑयल नहीं ऐड किए हैं। हाँ, इसमें नमक मिस हो गया है, तो आप नमक ऐड कर लीजिएगा स्वाद अनुसार। और इसमें डाल देते हैं ये बिना फ्लेवर वाला, जिसे ये ग्रीन पैकेट वाला इनो 1 पैकेट ऐड करेंगे। 1 पैकेट में बहुत बढ़िया से ये हो जाता है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना ज़्यादा हो जाएगा, 1 पैकेट काफ़ी है। तो जैसा नाप हमने आपको बता दिया है ना कितना है, बस उतना ही इसमें काफ़ी होता है। अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है, अब इडली सारा स्टैंड में डाल देंगे, 1-1 चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा भर देंगे ना तो ये फूल के बड़ा हो जाता है, मोटा होता है, तो मतलब साइड साइड से निकल जाता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। आप देख सकते हो सारा हमने तैयार कर दिया है, गैस पर हमने पहले से इडली का बर्तन में पानी गर्म कर लिया, अब इसमें डाल देंगे इसे 10 मिनट तक छोड़ देते
देते हैं, उसके बाद हमारी इडली पक के तैयार हो जाएगी। तो ढक के छोड़ देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। पहले हल्का सा हाई रहेगा 1 मिनट, उसके बाद हम इसे लो कर देंगे। और साइड में आप चटनी भी बना लेते हैं, जैसे इडली बन रहा है तो जिसे हमने कहा ना कि नमक मिस हो गया है, तो अब नमक नहीं मिस हो गया है तो उसमें तो हमें तैयारी करने की अच्छी अच्छी चटपटी सी बना लूँगी चटनी नारियल की। नारियल चटनी आप लोगों के साथ मैं नहीं शेयर करी हूँ क्योंकि नारियल चटनी तो लगभग मुझे लगता है सभी को आता है। इडली मैंने इसलिए शेयर करा है क्योंकि ये पोहा से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इडली भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। और मैंने सोच लिया है बहुत दिनों से कि मैंने जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। असली ब्लॉगर वही होता है जो कोई चीज़ मिस ना करवाए। लेकिन इडली तो मैं किसी और वीडियो में अब लगभग बनाती ही रहती हूँ सुबह इस तरह के नाश्ता, तो बाद में नारियल चटनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ मैं के लिए बना रही हूँ चाय, तो चाय भी साइड में हो रहा है कि आप लोग सोचोगे इडली के साथ कौन चाय, तो नहीं ऐसा नहीं है, इडली के साथ बाद में पी लेंगे, पहले इडली खाएंगे उसके बाद चाय पी लेंगे थोड़ी सी। हम लोगों की आदत बड़ी बुरी सी हो गई, अगर चाय नहीं पियेंगे ना तो समझ लीजिए कि सुबह की शुरुआत नहीं हुई और थकावट लगती है, नींद आती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो 10 मिनट बाद हमारी इडली देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चाय की लट बहुत ही खराब है फ्रेंड्स, लगना नहीं चाहिए बट हम लोगों को लग चुकी है। लेकिन ज़्यादा नहीं पीती हूँ, सुबह शाम ही थोड़ा थोड़ा सा पीती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ठंडा होने पे बाद हमने इडली निकाल दिया है, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट वाइट वाइट बिल्कुल बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और आप मतलब जैसा मैंने कहा और हेल्दी इसे बनाना है तो आप इसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके बच्चे जैसा पसंद करें। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और कितना वाइट बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हमने इसमें कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि सिर्फ ग्रीस ही किया था ऑयल से। तो ये सुबह का हेल्दी नाश्ता एक तैयार है। तो ये चलते हैं सबको देते हैं खाने के लिए, और सबके खाने के बाद थोड़ी इडली बच चुकी है और मैं नहीं खाई हूँ। जो भी इडली बचती है ना उसको वेस्ट नहीं जाता, वो बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो जाता है। मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगी क्योंकि आज तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि इतना लंबा वीडियो कोई देखे, लेकिन हाँ ये है जब हम कई चीज़ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाता है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा कि वीडियो कितना लंबा है, आप लोग देख लीजिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी है, अब सबने नाश्ता वगैरह थोड़ा कपड़ा प्रेस करना था तो मैंने वो भी कर लिया, इसे इसलिए नहीं किया जैसे मैंने कहा वीडियो लंबे हो जाते। और यहाँ पे अब बनाऊंगी मैं कुछ खाना। तो सारी चीज़ों होने के बाद अब खाने की बारी जब आ जाती है ना तो भाई सारी इस तरह की चीज़ें खा के कोई बंदा नहीं रह सकता है, तो इस तरह से नहीं हो सकता है सारी चीज़ें। तो चलिए कुछ और बनाते हैं। और ये देखिए आप बाकी है करेला, इसको भी बता देती हूँ क्या आप मुझे बनाना है ये करेले की सब्जी, ठीक है। तो चलिए ये भी हम निपटाते हैं। लेकिन आप जो मैं आज बनाई हूँ ना उसको देखने के लिए मतलब देखने के लिए आप लोग वीडियो देखना पड़ेगा जानने के लिए, मैं बताऊँगी तो बिल्कुल भी नहीं, पहले से मैं बता देती हूँ आप लोग वीडियो नहीं देखते हो सब ऐसे पता चल जाता है। तो चलो वीडियो देख लीजिए और मैं पहले अपना जो खाना है वो कंप्लीट करती हूँ। लेकिन जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है वो तो मैंने कर दिया है, वो मैं कर दिया मतलब बना चुकी हूँ। और दाल वगैरह हमने चढ़ा दिया, दाल हो रहा है, तब तक ये मुझे एक सब्जी नई बनानी थी आज। तो ये सब्जी के लिए ना मैंने मूंग दाल भिगा दिया था 2 घंटे पहले, अब पानी हमने अच्छे से छान दिया है। अब इसे क्या करेंगे ना हम इसको पहले अच्छे से पीस लेंगे। फ्रेंड जब ये सब्जी बनाया सबको खिलाया तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना कि चलो पहले बता देती हूँ इसको मैंने कैसा पीसा, दरदरा पीस लिया है और इसे हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंटा है। तो फेंटने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट कलर हो चुका है, रुई जैसा सॉफ्ट दिख रहा है। हमने तड़के में ऐड कर दिया है जैसे तेजपत्ता, लवंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, हींग और मेथी दाना, बस ये हमने तड़का लगा दिया है। और तड़के में डालेंगे ना प्याज, एक बारीक कटी हुई प्याज हम ऐड कर रहे हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट मसाले ऐड कर दीजिए।
तो आप देख सकते हो मैंने प्याज ऐड कर दिया है इसमें। प्याज थोड़ा सा गुलाबी होंगे ना, तब तक चलते हैं ये मसाले और तैयार करें। जैसे कहा मैंने कि डायरेक्ट, और थोड़ा दो हरी मिर्च और दो टमाटर, 7-8 कलियां लहसुन का, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, पेस्ट बना के तैयार करेंगे, क्योंकि इन सब का पेस्ट बना के तैयार करेंगे ना, बहुत इसे टेस्टी बनते हैं सब्जी, तो ज़रूर इस तरह का पेस्ट बना के तैयार करें। टमाटर थोड़ा सा वाइट था इसलिए ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा भून लिया है। मसाले में ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच से भी कम, हल्दी 1/2 चम्मच लगभग। इसे मिला देंगे सभी मसालों को। प्याज भुनना बहुत ज़रूरी है, मसाला भुनना ज़रूरी है। डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, जितना मतलब नमक है मेन है सब्जी में, कुछ भी कम हो जाए चलेगा, बट नमक नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हो ऑयल छोड़ रहा है, सब्जियां हमारी मतलब मसाले पक गए हैं। लेकिन इसमें डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर मतलब आता है इसमें कलर, और तीखा बहुत कम होता है। और इसके बाद लो फ्लेम पे करके हमने डालना है दही, तो ये पतली दही हो गई, हमने इसे फेंट लिया अच्छे से। और ये मतलब आप गाढ़ी दही भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल लो फ्लेम पे दही हम पकाएंगे। हाई करेंगे तो ये दही फट जाता है, बिल्कुल हमारी सब्ज़ी जो है अच्छी नहीं बनती है। तो बिना तले मूँग दाल पकौड़े वाली सब्जी आपने कभी बनाया नहीं होगा मुझे लगता है, तो ज़रूर अगर नहीं बनाया है ना तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसे। तो हमने ढेर सारा पानी कढ़ाई में, आप सोचते होंगे कितना तरी बनाएगी, तो फ्रेंड्स अब देखते जाइए। ये हमारी पकोड़े के लिए जो दाल है बिल्कुल वाइट वाइट हो गई है, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, हल्की सी हल्दी जो थोड़ी सी इसमें कलर आ जाए, क्योंकि जब हमारी पकौड़े बनेंगे ना तो वाइट वाइट से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब लोग तोड़ते हैं पकौड़े तेल में, पर फ्रेंड्स आज मैं तेल में बनाने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, और इसी में ये पकौड़े तोड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हो इसे उबाल अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप पकौड़े तोड़िएगा, वरना पकौड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, फूलेंगे नहीं, नीचे बैठ जाएंगे। तो आप देख सकते हो सारे पकौड़े हमने इसमें तोड़ दिया है और बिल्कुल उबाल आ रहा है सब्जियों में। तो अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक 11 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ताकि हमारे जो पकौड़े हैं ना अच्छे से पक जाएं। आप देख सकते हो सारे पकौड़े बढ़िया से दिख रहे हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और सब्जी की कलर भी बहुत अच्छी है। ऐड करते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती। 10 मिनट तक हमने पकाया, बिल्कुल सब्जी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी हो। थोड़ा सा सजा उजा देते हैं इसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए और एक चीज़ बनाने वाले हैं, तो ये भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप मैदा, 1 टीस्पून ले रहे हैं इसमें बेकिंग पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका बनेगा बालूशाही। जो बालूशाही हमने आज बनाई थी ना, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था। आप बैकग्राउंड देख के सोचोगे कहाँ से, तो ये मैं बेंगलोर गई थी तो बनाई थी बिटिया के लिए, मैंने सोचा चलो अच्छा इसी को आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बहुत अच्छा बना था इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब ऑलरेडी वीडियो बना था इसलिए मैंने आज का नहीं शेयर किया है, हमने नहीं वीडियो बनाया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सॉफ्ट आटा इसका तैयार, और जब मोइन लगाओ ना तो बिल्कुल घी में ही लगाइए, घी का बहुत अच्छा बनता है। सॉफ्ट आटा हमारा बनके तैयार हो चुका है, इसे ढक के छोड़ देते हैं, बना लेते हैं चाशनी। तो 2 कप लेंगे चीनी और 1 कप पानी इसमें ऐड करके इसे चाशनी पकाएंगे। बिल्कुल एक तार वाली नहीं चाहिए, थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए, जो हल्का सा तार उठे और ख़त्म हो जाए। 4 इलायची इसमें ऐड कर देते हैं, इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो इसमें केसर के धागे भी ऐड कर सकते हो बढ़िया सा कलर के लिए। तो आप देख सकते हो चाशनी भी बनके तैयार हो चुकी है और आटा भी रेडी है। आटा को अब हम क्या करेंगे ना, इधर उधर करके और इसे कट कर करके एक अच्छा लेयर बना के तैयार करेंगे। इसे जितनी बार हम उलट पुलट करके इस तरह से कट करेंगे, वापस से उसी के ऊपर रखेंगे, फिर वापस से उसी के ऊपर रखेंगे, मतलब एक के ऊपर एक रखते हुए जाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा लेयर तैयार होगा। और आटा को हमें बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं करना है तैयार, हल्के हाथों से ही हमें इसे तैयार करना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के हाथ से ये बहुत अच्छे से लेयर बन के तैयार हो रहा है। 1-2 बार और इस तरह से कट करेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे।
और बिल्कुल ये बहुत बढ़िया सा आटा हमारा तैयार हुआ। हल्के हाथ से इसको ये बॉल सा बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा चपटा करके जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से इसको हम कर देते हैं और बीच में थोड़ा सा होल सा कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये बढ़िया सा हमारा बालूशाही बनके तैयार है। बस इस तरह से हमारी सारी बालूशाहियाँ बन चुकी हैं। अब चलते हैं गैस के तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे घी हमने ऐड किया है। इसमें घी से मिठाई की फ्लेवर चार गुना बढ़ जाती है। तो अगर घी है तो ऐसी मिठाइयाँ अगर बना रहे हैं आप तो घी में ही मैं बताऊँगी, मैं यही कहूँगी कि आप घी में ही बनाइए। तो आप देख सकते हो ये घी में ही बन रहा है और बहुत टेस्टी है। अभी छोटे छोटे पीस जो है ना, अभी ये फूल के मोटे मोटे से हो जाएंगे और ये बिल्कुल डबल हो जाता है फूल के। तो आप देख सकते हो बातों बात में ये भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब इसे हमें कम से कम 20 से 22 मिनट तक तला है, ऐसे नहीं कि मतलब इसे डाले, बिल्कुल लो फ्लेम पे 22 मिनट तक हमने इसे तला है और इसके बाद हम इसे निकाले, तो इस मध्यम आंच से कलर भी बहुत अच्छा आता है और अंदर तक पक जाता है। चाशनी हमारी बिल्कुल गरम गरम है, गरम गरम चाशनी में ही ऐड करिएगा तो बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर तक चाशनी जाएंगे ना, इसको क्या करेंगे, डालेंगे उलट पुलट करके बस निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक चाशनी में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल फूल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा खाने में। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बालूशाही ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए हमने एक मिनट के अंदर ही इसे बाहर निकाल देना है उलट पुलट करके। आप देख सकते हो अंदर कितना सॉफ्ट दिख रहा है, ऊपर से कितनी क्रिस्पी। फ्रेंड्स ये रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे लगता है 100% आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सारा खाना वगैरह बनने के बाद यहाँ पे अब बारी है सलाद वगैरह कट करने की और बहुत सारे काम होते हैं किचन में। अब बस दोपहर हो चुके हैं, मतलब 12:30 बज चुके होंगे सुबह से ये सब करने में मुझे। बट ये है कि मतलब बालूशाही की वीडियो मैंने आज नहीं बनाई थी और इसके बाद बहुत सारे काम होते हैं घर में, लेकिन अब मैं क्या करूँगी ना, सोऊँगी 2-3 घंटे कम से कम, क्यों सुबह जल्दी उठने के वजह से। और चेहरे भी देखिए अब नींद दिख रहा है आप लोगों को, मतलब लग रहा है कि बहुत जल्दी उठ गई थी। और सारी चीज़ों को जैसे मैंने साज सजावट के लिए रखती हूँ तो ये सब हटा देती हूँ, किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ी सी भी थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, मुझे जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा लगता है जब कोई थोड़ी सी तारीफ़ वरीफ कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इतने देर बने रहते हो आप लोगों के लोग तो बहुत इसके लिए धन्यवाद। अब यहाँ हमें थोड़ी सी करेले वाली सब्ज़ी भी बनानी है तो चलते हैं अब करेला भी बना देते हैं भाई फटाफट, क्योंकि